ये पाउडर तुम्हें उस एक तक लेके जाएगा। अगर वो एक, वो शक्ति, वो भूत उस कमरे में या उस जगह पे है तो ये तुम्हें उस एक तक लेके जाएगा। ये डरावनी सी आवाज किसकी है? ये कौन सा जादू है तुम्हारा? ये कैसी कशिश है जो मेरे ख्यालों में मेरी सोच तक पर कब्जा है तुम्हारा? आखिर हो कौन तुम? पॉजिटिव वाइब्स आ रही है ना इस जगह से। हाँ, फुल न्यू फ्रेश। अर्नो और रेहान ने इसे अभी ओपन किया है। रियली? बहुत प्यारी जगह है। तुम्हें पता है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि मुझे फाइनली जॉब मिल गई है, वो भी यहाँ पे। एंड आई फील ना, ये जगह और भी अच्छी होती और पॉजिटिव होती अगर अर्नव का वो खड़ूस वाइब वो ना होता तो। आई जस्ट हेट हिम, बहुत ही खड़ूस है यार। अब मैं समझा कि मेरा कैफे इतनी लाइट क्यों मार रहा है। पता है अर्नव, मैं यही बता रही थी स्वाति को भी कि मैं कितनी खुश हूँ इस जॉब को लेके। थैंक यू सो मच मुझे जॉब देने के लिए। कम ऑन प्रिया, तुमने मुझे मेरी होने वाली बीवी से मिला है, इतना तो बनता है ना। मैं तुम दोनों लव बर्ड्स को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मुझे बस इतना बता दो कि मैनेजर कहाँ पे होंगे। मैनेजर वहाँ कैबिन में। एंजॉय। एक्सक्यूज मी सर, हाय, मैं प्रिया। आज पहला दिन है तुम्हारा जी। वहाँ से एप्रन उठाओ और काम पर ले उसे। जी। रुको, ये बाल क्यों खुले तुम्हारे? बाल बांधो पहले। जी। आज सिर्फ क्लीनिंग करोगे तुम और काम सीखोगे, किसी कस्टमर को अटेंड नहीं करना। ओके? ठीक है सर। तुम्हारी पहली सर्विस मेरे लिए। वन लाते प्लीज। हाउ स्वीट मोहित, हम दोनों लाते भी शेयर करने वाले हैं। आई एम ऑल योर्स। चॉकलेट सॉस, लाते विद चॉकलेट सॉस। I'm sorry. वो actually मुझे मैनेजर ने कहा है कि आज मैं सिर्फ क्लीनिंग ड्यूटी पे हूँ। अरे उस गधे को। उस मैनेजर को कहो कि मोहित ने कहा है कि उसे तुम्हारे हाथों की कॉफी पीनी है आज। आप एक बार बोल दो के। Definitely. Please आप तुम कॉफी जाके बनाओ, मैं बात करता हूँ। ठीक है। Just मैं लाती हूँ। हाँ। आप हार जाओगे। ये गेम तो मैं नहीं हारने वाला। Bro, help. Bro. क्या है ब्रो, हरा दिया? गेम चल रहा था मेरा और मेरा गेम बज रहा है। फुट्टी ना मेरे पीछे पड़ी हुई है, उससे मुझे बचाओ। लो आ गई। आराम से प्रिया, आराम से। अरे ये देखो, कॉफी का न्यू स्टाइल। आज कॉफी मिलेगी नहीं, हिलेगी। क्या बदतमीजी है ये? आपकी कॉफी बचा रहे हैं और क्या? अगर गिर गई तो? नहीं, अगर तुम गिर गई तो खालेंगे गोद में। चलो 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 चलते रहो।
बहुत मुश्किल है पनघट नगरी की। आराम से चलो, चलिए 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 आप चलिए आगे, चलो 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 चलो, बहुत मुश्किल रास्ता है। ए गाइस गाइस गाइस, क्या कर रहे हो यार? अरे कुछ नहीं यार, उसकी मदद कर रहे थे ऐसे ही बस। शट अप, इट्स अ फर्स्ट डे, पहला दिन उसका। ओह प्रेशर है यार, सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी प्रिया, जस्ट इग्नोर दैट। लो कॉफी मुझे दे दो। अरे दे दो, अरे दे दो, अरे दे दो, दे दो, दे दो, जस्ट इग्नोर इट। दुपट्टा दे रही। थैंक यू, थैंक यू। क्या हो रहा है? सो आज अकेले? कोई लड़की नहीं है ना? ये रही। हाँ? Really? Yes. She is my girl. ये क्या कर रहा है? स्टाफ है। नो ब्रो, आई मीन इट, ये मेरी पहली नजर का प्यार है, माई गर्लफ। मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, मर भी सकता हूं। Guys, कुछ कंफ्यूजन है, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। Exactly, प्रिया, क्या हो रहा है यार? ये लड़के क्या कर रहे हैं? कहाँ है यहाँ का मालिक? बुला उसे। रेहान, ये जगह तेरी है। Yeah. Manager? Yes, yes sir. क्या हो रहा है यार? पहले तो ये not so gentleman लड़कों को यहाँ से बाहर निकालो, और तुम? हाँ? तुम मेरे साथ बाहर चलो। मैं क्यों? मैं तो आगे की जो भी बात है ये हमारी पर्सनल बात है ना। अगर तुम्हें तुम्हारी नौकरी प्यारी है तो चुपचाप मेरे साथ बाहर चलो, समझे? कम बेबी। गाइस, वन सेकंड, ये सब क्या था? व्हाट वाज इट? गॉड नोज, ये तुम्हारे भाई का हद पार करना था। तुम पागल हो गई हो क्या? क्या हुआ बेबी?
अरे जो भी हुआ बहुत अजीब था, रिहान का ऐसे पब्लिकली किसी को अपना गर्लफ्रेंड कहना और ऐसे हाथ पकड़ के ले जाना, वो शॉकिंग यार। उससे ज्यादा शॉकिंग तो प्रिया के लिए होगा। आज मेरी जॉब का पहला दिन था और तुमने मेरा पहला दिन खराब कर दिया। क्यों? एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ओ यार तुम्हारा थैंक यू। थैंक यू? थैंक यू माय फुट? मैं तुम्हें थैंक यू क्यों बोलूं? उन लड़कों से जान बचाने के लिए जिनके सामने तुम हाथ पर जोड़कर रोने वाली थी। तुम्हें शायद पता नहीं है मैं दिल्ली से हूँ और बस में ऐसे बदतमीज लड़कों को मैंने इतने थप्पड़ मारे ना कि मुझे गिनती तक याद नहीं है। और तुम शायद मुझे जानते नहीं हो अभी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मतलब गिरने पड़ने के अलावा तुम्हें और भी टैलेंट है। अरे यार ये तो किसी से भी हो सकता है ना, खाना कभी भी गिर सकता है और कोई कभी भी डिसबैलेंस होकर गिर जाता है। और अब जॉब के डे फर्स्ट में थोड़ी थोड़ी हड़बड़ी तो हो ही जाती है ना। इसे हड़बड़ी नहीं गड़बड़ी कहते हैं। तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो क्या? अगर मैं चाहूँ ना तो एक मिनट में। एक मिनट? क्या क्या कर लोगे एक मिनट में? कंट्रोल कर, तू अभी अपनी पावर्स यूज नहीं कर सकती। तो ये पता है मेरे स्कूल और कॉलेज में ना 95% से ऊपर मार्क्स लिए हमेशा। तो क्या मेडल दूँ? नहीं, मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे किताबें नहीं लोगों की शक्लें भी पढ़नी आती हैं और खासकर तुम जैसे लोगों के। लड़कियाँ मुझे इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या करती है। लड़कियाँ राइट, मुझ जैसी नहीं पर वो तुम्हारी टीना जैसी जरूर, जिससे बचने के लिए तुम मुझे बचाने की एक्टिंग कर रहे थे राइट मिस्टर। मैं सब नोटिस कर रही थी। तुम्हें क्या लगा कि मैं कोई अनाड़ी खिलाड़ी दीवानी टाइप की लड़की, कोई झली टाइप की लड़की हूँ जो तुम मुझे बचाओगे मैं तुम्हारे चरणों में गिर जाऊंगी? नो, मैं तो बस प्रे कर रही हूँ कि टीना को तुम्हारी सच्चाई का पता चले। एक मिनट तक बर्दाश्त नहीं कर सकती और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी पोसेसिव गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करूं? नॉट हैपनिंग। तुम मानो या ना मानो मैंने तुम्हारी मदद की ना, तो अब तुम्हारी बारी है मेरी मदद करने की। बट शी इज हार्मलेस। हाँ और ब्रेनलेस भी है। देखो तुम्हें ना कहा था ना कि उससे कोई और बेटर मिलना चाहिए मुझसे। मैं टीना के लिए मिसफिट हूं, आई एम द विलन। मुझे कोई मिले ना मिले, उसे कोई और मिल जाए और उसकी लाइफ बर्बाद होने से बच जाए। बात तो तुम्हारी सही है लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए मेरी ना है। ओके आई गेट इट, तुम उन लड़कियों में से हो जिन्हें जॉब की कदर नहीं, पैसे कमाने हैं नहीं। कूल कोई बात नहीं, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा एंड आई एम श्योर। जो भी कह रहे थे पर मेरी एक शर्त है। मेरे डेडली लुक्स के आगे शर्त? गॉड सो चीप, तुम कितने ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो ना। एनीवे तो मैं ये बोल रही थी कि मैं तुम्हारी पोसेसिव गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ लेकिन हम दूर दूर से एक्टिंग करेंगे। तुम ये छूने की कोशिश नहीं करोगे और अपनी हद में रहोगे, लाइन क्रॉस नहीं करोगे। लाइन कौन सी? इमेजिनरी? अरे मेरा मतलब है वो जो मुझे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं ना, एक दूसरे को गले लगाना, हाथों में हाथ डाल के घूमना, ये सब होना नहीं चाहिए हम दोनों के बीच में। और किस? वो मिस कर गई। स्मार्ट गर्ल है। बकवास बंद करो, मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब हम दूर दूर से एक्टिंग करेंगे और मैं तुम्हें अपने आप को कभी छूने नहीं दूंगी, नॉट इवन अ फिंगर। इतना इतने से टच को फील करने के लिए ना तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना सा भी इंटरेस्टेड नहीं हो तुम, अगर तुम बताती भी नहीं ना तो भी मैं कॉन्ट्रैक्ट में इसे ऐड कर देता, समझी? गुड फॉर मी, फिर मैं रेडी हूँ। रेहान को कोई मना कर ही नहीं सकता। ये क्या हो रहा है? अतिशात और प्रिया की दूरी बढ़ने से ज्यादा तो घट रही है। अब क्या करूं मैं? बंदर कहीं का पता नहीं क्या समझता अपने आप को। क्या हुआ बेब? तुम्हें तो भाई के लिए खुश होना चाहिए ना कि फाइनली भाई को एक ऐसी लड़की मिली है जिसे वो सबके सामने अपना कह सकते हैं। एक ऐसी लड़की जो खुद इतनी स्वीट है, इतनी प्यारी, कितनी इनोसेंट सी है। एग्जैक्टली माय पॉइंट ना, कि प्रिया रेहान के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी है, कुछ ज्यादा ही प्यारी, कुछ ज्यादा ही स्वीट है, कुछ ज्यादा ही।
You get what I'm saying, na, baby? क्या है ना देखो, बेबी प्रिया बेचारी अनाथ है, राइट? एंड हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसे सेफ रखें, उसका ध्यान रखें, खास करके तुम्हारे इस लड़कीबाज भाई से। वो एक सेकेंड ना स्वीटहार्ट, यहाँ पे मेरे भाई के बारे में बात हो रही है, तो थोड़ा सोच समझ के हाँ। और जस्ट बिकॉज प्रिया अनाथ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना ध्यान खुद नहीं रख सकती। प्रिया आज के जमाने की लड़की है, खुद को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकती है। और जहां तक बात है रेहान भाई की, प्लीज प्लीज प्लीज, तुम्हें ही पता है, मुझे ही पता है रेहान कितना बड़ा लड़कीबाज है। वो नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं है, उसके अंदर जो दिल है वो इंसानों वाला दिल नहीं है, जिसमें जान हो, जो किसी के लिए धड़कता हो। क्या क्या इंसान मतलब? इंसान मतलब मतलब यार, जिसमें जिसके दिल में जान हो, जो किसी एक के लिए धड़के। ही इज जस्ट डिफरेंट है। ही इज नॉट डिफरेंट, ओके? वो बिल्कुल हमारे जैसे, बिल्कुल तुम्हारे उम्मीद, एकदम नॉर्मल, एकदम इंसानों जैसे, उनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं, वो एकदम। ओके, काम 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 डाउन काम डाउन। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि इंसान से मतलब, यार मेरा मतलब ये था कि नो, अब एक्चुअली आई एम सो सॉरी, आई थिंक मैंने बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। हाँ, अब क्या हुआ? ये आंखों का धोखा और कुछ नहीं। स्टाफ मीटिंग। मैं मानता हूं कि यहां का ओनर होने के बावजूद मैंने यहाँ पे कामकाज में ध्यान नहीं दिया, पर आज जो हुआ उसके बाद जरूर लूंगा और कुछ मेजर चेंजेस करूंगा। चेंज नंबर वन, आज के बाद हमारा स्टाफ उन जैसे छिछोरे लड़कों को एंटरटेन नहीं करेगा, खासकर फीमेल स्टाफ। चेंज नंबर टू, प्रिया आज से कैश काउंटर संभालेगी और सामान का हिसाब किताब रखेगी। अब मुंह क्या देख रहे, काम कीजिए अपना। प्रिया। यस यस सर। Yes. भाई एक बात बताओ, गर्लफ्रेंड एंड ऑल, लाइक मुझे तो लगा था ये सब कुछ सिर्फ आपने टीना से बचने के लिए किया, लेकिन अब बस ये लो, शैतान का नाम लिया और शैतान का कॉल हाजिर। तो रिहान, रिहान लिसन टू मी बेबी, उस लड़की से प्यार नहीं करते। रियान, आई नो तुम्हारा टेस्ट बेबी, वो तुम्हारा स्टैंडर्ड है ही नहीं। उसे तो तुम उस सामने रखे मिल्कशेक में भी डुबाओगे ना, तो भी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वो एकदम लो क्लास की लो क्लास ही रहेगी, ट्रस्ट मी। भाई Here you go. ये पैसे लो और मेरी गर्लफ्रेंड बन कर आओ। Excuse me? जहां तक मुझे याद है मेरे वर्किंग आवर्स अभी तक खत्म नहीं हुए और ना ही मैंने तुमसे कोई एडवांस मांगा है। तो ये पैसे उठाओ और अपनी जेब में डालो। Listen, मेरी गर्लफ्रेंड ना न्यूज़पेपर में आती है, पर मैं न्यूज़पेपर में नहीं आता, पर वो गॉसिप कॉलम में डेफिनेटली आती है। तो अगर लोगों को यकीन दिलवाना है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो तुम्हें स्पा, सैलून, शॉपिंग, पता नहीं कहां कहां जाना होगा, ताकि तुम मुझसे और उनसे 1% मैच कर सको। 1% मैच? वैसे मैंने तुम्हारी 100% वाली देखी है, और अगर तुमसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो मुझसे मैचअप करने से अच्छा उससे पैचअप करो ना। एटलीस्ट मेरी हर उस बेइज्जती तो नहीं करोगे ना तुम। मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है और लोगों को कन्विंस करने से कि तुम जैसे भी मेरी पसंद हो सकती हो। तो चुपचाप पैसे उठाओ, शॉपिंग जाओ, एंड ऑफ डिस्कशन। एंड ऑफ डिस्कशन का तो पता नहीं, एंड ऑफ डील जरूर हो सकती है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हो मेरी प्रॉब्लम। तुम नॉर्मल क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम नॉर्मल नहीं हो। लड़कियां लड़कों के पैसों पर ऐश करने के लिए मरती है। और मैं वैसी नहीं हूँ, और तुम शायद भूल रहे हो कि मुझे तुम्हें मैच करना है। एग्जैक्टली। और तुम्हें मैच करने के लिए मुझे तुम्हारे लेवल पे आना होगा, तो चुप करके अपने पैसे उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। मेमोरी लॉस, ये कैफे मेरा है। और तुम शायद भूल रही हो, यहाँ पे इन्वेंटरी का काम मैं संभाल रही हूँ और तुम मेरे काम में दखल दे रहे हो। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें स्टोर रूम में लॉक कर देता हूँ, ताकि तुम भी डिस्टर्ब ना हो और मैं भी डिस्टर्ब ना हो। हाँ हाँ हाँ, तुम ये नहीं कर सकते। लोग क्या सोचेंगे,
रिहान जिस लड़की को बचा रहा था, जिसे अपनी गर्लफ्रेंड बोल रहा था, ते बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, उस बेचारी लड़की को तुमने इस दिन जिसे रूम में बंद कर दिया। तुम ये नहीं कर सकते। डोंट यू डेयर मी। आई डबल डेयर यू। तुम लकी हो, लड़की हो, अगर कमी होती तो अब तक मेरा डिनर बन चुकी होती। मैं डर गई। देखते हैं। देखते हैं। Damn it, इस लड़की का इतना असर क्यों होता है मुझ पे? ये आसपास होने से मैं खुद पे काबू क्यों खोता हूँ? ऐसा क्यों फील होता है मुझे? सिर्फ उसको ही ऐसा फील नहीं होता, मेरा भी उसको देख के पारा चढ़ जाता है। ओह गॉड, प्लीज दफा कर दो उसको यहाँ से, वरना मैं बाहर कैसे जाऊंगी? चला गया लगता है। तुमने तो मुझे लॉक कर दिया था ना? वही तो, मैंने तो दरवाजा लॉक कर दिया था, फिर तुमने इसे खोला कैसे? सोच जल्दी सोच। स्पेयर की। अब किसी अनजानी जगह में काम करने का फर्स्ट रूल, सेफ्टी फर्स्ट। कोई भरोसा नहीं है ना, तुम जैसे साइको मालिक से पाला पड़ जाए। हाय रियान, ऑल ओके? प्रिया, तुम ठीक हो? तुम काफी देर से दिखी नहीं इसलिए। हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या बात है मोहित, बहुत केयरिंग हो गए और चेंज हुआ ना, नाइस। शुक्र है, मसूरी शहर में सब एक जैसे नहीं है, कुछ शरीफ लोग भी हैं। थैंक यू मोहित। अब जिसके लिए केयर होगा उसके लिए कंसर्न तो हो गई ना। अब कॉफी? अब नहीं, मुझे कुछ काम था। कुछ भी चाहिए होगा तो लेट मी नो, मैं ओनर हूँ। राइट। जस्ट इमेजिन, पता है वो चाहते कि अर्णव का यूके का वीजा मिलने से पहले ही ना वो उन्हें ज्वाइन कर ले। सो डेस्परेट ना। मम्मी स्वाति के पेरेंट्स को यूके के वीजा के बारे में इन्फॉर्म तो कर दो। हाँ, चुप आ जा तू। हाँ, नहीं नहीं, मेरे तो सारे ही बच्चे बड़े बड़े हो ना आ रहे हैं। मुझे तो लगता है कुछ बहुत डार्लिंग। क्या है मॉम, आपको जिन्हें कॉल करना है वो स्वाति और उसकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स नहीं। तो क्या करूं, मर जाऊं? तेरे फ्रेंड्स फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स फैमिली के चक्कर में अपने फ्रेंड्स को भूल जाऊं? मेरी कोई फीलिंग नहीं है। एक सेकंड, अर्णव की यूके जाने से पहले उसकी शादी पे तो निपटानी है। राइट, और उसकी शादी किससे हो रही है? रेखा, सुन मैं कर रही हूँ तेरे को फोन। हाँ, क्या है मॉम? अब कॉल कीजिए ना स्वाति और उसकी फैमिली को, तब भी तो बात आगे बढ़ेगी ना। हाँ, रुक जा। या श्योर जी, हम पहुंच जाएंगे जी। हाँ, टाइम पर। ओके, बाय बाय। I like the pams. इसे कहते हैं चच मंगनी एंड पच पापा। मैम आंटी ने सगाई की डेट फिक्स करने के लिए पार्टी रखी है, सगाई के लिए नहीं। ओहो, इतना नखरे से बोल रहे, काम करते हैं हम, प्रोग्राम कैंसिल ही कर देते हैं। कर देते ना। हेलो, क्या टाइमिंग है खोल प्रिया, तुम सही टाइम पर आए हो, बहुत बड़ी खुशखबरी आए हैंगे। कॉन्ग्रेट्स, वेरी गुड, वेरी गुड अर्णव। क्या भाई, अर्णव भाई की शादी हो रही है और इतना थका हुआ कॉन्ग्रेट्स। हाँ, because it's weird. ओए, इसमें weird क्या? मुझे मेरी ड्रीम जॉब और ड्रीम लड़की मिल रही है, तुझे क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि आप किसी और की टिकट काट के अपनी बुकिंग कर रहे हो। मतलब? मतलब ये कि आप स्वाति से 4 दिन पहले मिले और आपकी बात शादी तक पहुंच गई, और ये मोहित सालों से लगा पड़ा है फिर भी उसका नंबर नहीं लग रहा है। Isn't it weird? नहीं नहीं, it's okay. Actually, Rehan is right. Darling, तुम अर्णव और स्वाति की शादी की डेट निकाल रही हो ना, तो साथ ही में इन दोनों की शादी की डेट भी निकालो। हाँ। Wow, Mom, ये लंच तो आपके लिए फेस्टिवल बनता जा रहा है। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना कि अर्णव और स्वाति का दिन है, मैं उनकी लाइमलाइट थोड़ी छीनूंगा, तो let them have their limelight ना, उनका लाइमलाइट लेने देते। सही है मॉम। हाँ, इन दोनों की शादी अर्णव से एक दिन पहले करा देते। What a wow! Babes, अब तो तुम खुश हो ना, फाइनली तुम्हारा नंबर आ गया। Nope,
ये कहो कि इसकी बैंड पहले बच गई। Congratulations! मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। और मैं तुम्हारे लिए। Girlfriend and all, हाँ। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ मिस किया मैंने यहाँ? नहीं मॉम, girly talks. हाँ। Let them be. और ये देख स्वाति, मॉम आप तो खजांची निकली। इतने सालों से ये सारा खजाना कहाँ छुपा के रखा था आपने? वैसे स्वाति दी, मुझे ऐसा लगता है कि आज की पार्टी में ना आपको ये वाला सेट पहनना चाहिए। इट्स सो प्रिटी। हाँ हाँ पहन लेना, लेकिन ये जो सेट है स्वाति को अर्नव पहनाएगा एंगेजमेंट पे। अच्छा बट मॉम वो तो लड़के वालों की तरफ से आता है राइट? हाँ उनकी तरफ से जो आए, लेकिन हमारी तरफ से ये जाएगा। ये औरतों के भी कितने नखरे होते हैं ना। मर्द लोग समझते ही नहीं, इतने मूर्ख होते हैं, एकदम बिल्कुल गधे। मतलब भाई उनको समझना चाहिए ना कि औरतों को खूबसूरत रहने के लिए, मेंटेन रखने के लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है ना। चाय। अब चाय चाय देखा, ये है असली सोना। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रिया, तुम हमारी कितनी हेल्प कर रही हो ना रुई। अरे प्रिया तुम भी देखो ना कितना सुंदर है। वाओ बहुत ही प्रिटी है। सारा फोकस आज स्वाति दी पे रहने वाला है, हम दोनों की तरफ तो कोई नहीं देखने वाला। प्रिया प्रिया आज पार्टी में आ रही है? हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, जरूर आएगी। नहीं अंकल एक्चुअली मुझे कुछ काम है तो मेरा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अरे तो छुट्टी ले लेना ना, मैं अर्नव से कह दूंगी। तुम चाहो तो मैं रेहान को कॉल कर लूं? नहीं मैं मैनेज कर लूंगी। पक्का? हाँ तुम्हारे बगैर जाएंगे नहीं हम। हाँ अरे आप लोग भी अजीब है, जब ये कह रही है कि इसे काम है वो छुट्टी नहीं लेना चाहती तो क्यों फोर्स कर रहे हो? वैसे भी आज कौन सा एंगेजमेंट है? अरे तो भाई क्या हुआ एंगेजमेंट नहीं है तो, एंगेजमेंट की आज डेट तो फिक्स होने वाली है ना। और भाई ऐसे शुभ मौके पर अगर पूरी फैमिली साथ में ना हो तो फिर मजा ही किस बात का। After all, प्रिया भी हमारी फैमिली ही है ना। क्यों कूल प्रिया? जी अंकल लेकिन वो लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम फटफट अपना काम पूरा करो, तब तक मैं आज रात की पार्टी के लिए तुम्हारे लिए ड्रेस फाइनल करती हूँ। That's cool. चलो दी आप मेरे साथ चलो। रैग्स चाय पियो चाय, बहुत लाजवाब बनी है। आहा ये आंटी हमेशा मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव करती हैं? गालारू, ये तो मेरा फेवरेट शेड था ना, ये भी खत्म हो गया। तेरे लिपस्टिक की शादत ना बेकार नहीं जाएगी। और तुझे पता है ये हमारी चीफ गेस्ट कौन होगी? कौन? वो होगी हमारी गेस्ट अजनबी। व्हाट? जॉली? नहीं तो क्या, इस लिपस्टिक की मदद से तो हम ये इंपॉर्टेंट डेट लिखा है, अब ये नहीं होती तो ये नहीं होता ना। हाँ यार अरु तू सही कह रही है, हमने इतिहास लिख दिया है। अगर इसी डेट पे ये भूतनी सबके सामने आ गई फिर तो बीबी गर्ल्स वर्ल्ड फेमस हो जाएगी, और अजनबी को ना हमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। वेरी नाइस, अब तुम दोनों का हो गया हो देन प्लीज लीव। जस्वाती दी को आज रात के लिए ड्रेस ट्राई करानी है। उफ यार ये गर्ल्स का क्या है, मतलब दुनिया में ना और भी काम होते हैं। एग्जैक्टली भूतों को पकड़ने के अलावा भी ना बहुत काम होते हैं। मेरी भूत बस्टर। ओके चलो निकलो बोथ ऑफ यू आउट आउट बाय। सुनना मिनी, हमें ना इस बार अजनबी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, इस बार ना पार्टी में क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। हाँ और वो तुम्हारी पिंक साइकिल वाली किरायेदार भी तो होगी। एग्जैक्टली अब हमें अजनबी से वो चीज लेनी होगी जिससे हम उस भूतनी का ना सारा सच दुनिया के सामने लेके आ सके। एक सेकेंड, अजनबी ने लास्ट मैसेज में बोला था ना कि वो हमें कोई चीज देने वाले। रैग्स तुम्हारी फ्रेंड जो पैम है ना तुम्हारी खूबसूरती को देख के जल जाएगी आज। अब ठीक है। थैंक यू सो मच प्रिया। माँ पा ये प्रिया बचपन में कहाँ थी? मैं आपको बता दे रही हूँ ये ना मेरी बहुत बड़ी सपोर्टर होती। ये
रूही है और ये जो आरू मुझे तंग करते रहते हैं ना, और बस मुझे ना धमकी देते रहते हैं। उड़ उड़ हेलो पापा, ये देखो कैसे बात कर रही हूँ। इग्नोर हर बेटा, लेकिन ये बात तूने बिल्कुल सही कही, फूल प्रिया को हमारे साथ बचपन से होना चाहिए था, है ना रैग्स? चले, सब वहाँ इंतजार कर रहे होंगे। वैसे ये लंबू, तुम क्या ताड़ के पेड़ की तरह लंबी होती चली जा रही हो? बेटा होल्ड कर, रुको थोड़ा सा। देख तेरे चक्कर में गाड़ी में फंस जाएंगे हम लोग, कैसे जाएंगे? मुझे क्या पता। आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग जाइए, मैं वो ये? My God, मैं तो इसी के साथ जा रही हूँ। हेलो गाइस। हाय। हेलो। वैसे हम लोग तुम्हारे घर आ रहे थे। I know। तभी तो मैं प्रिया को लेने आया। क्यों? किस लिए? हो हनी, तुमने इन लोगों को बताया नहीं क्या? अब प्रिया मेरी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड है। ये कैसे हो गया? तुम्हें यहाँ एक हफ्ता नहीं हुआ, तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? ये सब नहीं चलेगा। ये हमारे घर में रहती है, मैं सब इन चीजों की परमिशन नहीं दे सकती। हमारे घर पे ये सब नहीं चलता। यार रैक्स, तुम कब से टीवी की सासों की तरह बिहेव करने लगे हो? जिसको जो कहना है कहो, लेकिन मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। मॉम प्लीज, क्या हुआ है आपको? सॉरी यार रेहान, आजकल पता नहीं मॉम को क्या हुआ है, हर छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस लेने लगती है। प्लीज डोंट माइंड, इट्स ओके। आई एम सॉरी, पर रेहान और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, ये बस कुछ ही दिनों की अफवाह है। पक्का ना? प्रिया चले, मेरी चॉइस अच्छी है ना? तुम्हारी चॉइस तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन बेटा तू सोच ले, कोई चलती नहीं है। पापा, तुम लोग जाओ। प्लीज कम, टेक केयर ऑफ हर। हाँ या श्योर। इसलिए लेने आए थे? नहीं सिंड्रेला, आधी रात गए तुम्हें जूते लौटाने आया था। कम ऑन, हर बात बोल के बताऊंगा क्या? बहाने ढूंढता हूं तुमसे मिलने के, एक सेकंड भी नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। और जब तुम मसूरी की अंधेरी सड़कों पर घूमती हो ना अपनी साइकिल लेकर, बेचैन हो जाता हूं, इतना बेचैन कि बता तक नहीं सकता। पागल कर दिया है तुम्हें, दीवाना, इतना दीवाना कि अगर तुम साथ हो तो लगता है जहान है, नहीं तो सिर्फ अकेला रेहान है।
चीज। नहीं ये सब नहीं होगा। अरे कम ऑन, टीना देख रही है, और अगर मुझ पे यकीन ना हो तो बाहर देखो। हाय रिहान। देखो तुमने तो कहा था ना कि हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह एक्टिंग करनी होगी, तो ये तो मैं अकेले कर नहीं सकती, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत होगी। सो प्लीज बी अ गुड बॉय एंड पिक्चर्स क्लिक कराओ। आओ थोड़ा इधर देखो ना, स्माइल, तुम्हारी शक्ल नहीं दिख रही, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? देखो ये फालतू का काम मैं नहीं करूंगा, अगर मैंने कैमरे के लेंस में देख लिया तो मेरी आंखों का रंग बदल जाएगा और तुम जान जाओगी कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूं, एक आदिशात हूं मैं। रिहान तुमने तो कहा था ना कि हम कपल की तरह एक्टिंग करेंगे, तो यही सब तो करते हैं ना कपल्स, फोटोज क्लिक कराते हैं ऑल। सो प्लीज क्या कर रहे हो तुम, इससे फोटो खींचो। क्यों, मेरे फोन में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मैं एक रिच एलिजिबल बैचलर हूं और मैं ऐसे किसी लड़की के साथ फोटो नहीं खिंचाता, क्या पता कल कहां मिस यूज कर ले। एक्सक्यूज मी, ऐसे नहीं, ऐसे खींचो। अरे पर मुझे कैसे दिखेगा कि हम कैसे दिख रहे, फोटोज कैसी आ रही हैं? वो बैक कैमरा ज्यादा अच्छा होता है, मैं एक्सपर्ट हूँ इसमें, खींचो ऐसे। या श्योर, इन फोटोज से मेरा सच पता चल जाएगा, इसलिए ये इन्हें नहीं देख सकती, कभी भी नहीं। रिहान ऐसे सड़ी शक्ल क्यों बना रखी है? अगर ऐसे रहा ना तो टीना तो क्या, उसकी बिल्ली को भी पता चल जाएगा कि हम कपल नहीं है। स्माइल, नो टचिंग। एक्सक्यूज मी, मैं सिर्फ पिक्चर्स क्लिक कर रही हूँ, तुम्हें टच नहीं कर रही, उतना ध्यान है मुझे। तुम्हारा ही रूल था, बस याद दिला रहा हूँ। तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि मुझे तुम्हें छूना है कि नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ? सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। गाइस मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, इससे पहले कि मैं इस गाड़ी से कूद जाऊं ना, लेट्स गो फ्रॉम हियर। अब लतना बंद करोगी, चली गई हो। फोटोज चेक कर लेती हूँ। अरे क्या कर रहे हो? मेरा फोन कोई सरकारी म्यूजियम नहीं कि कोई भी गैलरी में घुस जाए, इट्स पर्सनल। तुम शायद भूल रहे हो, उस फोन में मेरी फोटोज हैं और मुझे वो फोटोज डिलीट करनी है। मैंने वो फोटो सिर्फ टीना को जलाने के लिए क्लिक की थी, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ फोटोज क्लिक करने की, मुझे तुम्हें भरोसा नहीं है। तुम ना बहुत बुरी लिसनर हो, और तुम बहुत ही बुरे इंसान हो, और तुम इंसान हो ही नहीं एक्चुअली। इंसान होने से तो बेहतर ही है इंसान ना होना। रश्मि गॉड, सिद्धार्थ ने हमें लंच पे बुलाया ना, तो मैंने कहा अब तो मेरी बारी है। लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझसे कोई भी चीज छोटी मोटी होती नहीं है। वो तो दिख ही रहा है। I must say, Pam, Swati is very lucky कि तुम्हारी तरह फास्ट और स्मार्ट सास मिली, इतने कम समय में इतना सुंदर अरेंजमेंट। It's very nice, Pam. बड़े वाव ना, क्या ना रैग्स, मुझे अपनी ब्यूटी की तरह हर चीज ब्यूटीफुल चाहिए। अचानक से प्रोग्राम बन गया जी, कुछ अर्जेंट काम आ गया, लेकिन वीजा प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है। ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है, कम से कम इसी बहाने हमें हमारी गुड़िया के साथ और वक्त बिताने का मौका मिल जाएगा। डोंट वरी बेबी, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्या है ना कि अगर मेरी फैमिली का बस चले तो मुझे पहली फुर्सत में विदा कर दे, वो भी बिना शादी के, वो भी सीधे चांद। ओए
मेरा इंप्रेशन क्यों खराब करी मेरे ससुर जी के सामने? ओ हाय, हेलो, कौन ससुर, किसका ससुर? अरे बेटा दोस्त समझो, दोस्त, फ्रेंड, फ्रेंड हाँ। और वैसे भी बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? बेटा गर्दन तो हाथ में आ गई, दबोच लेंगे। By the way, आप लोग एंजॉय करो यार इस पार्टी को, मैं जरा इन बुढ़े लोगों से मिलके आता हूँ वरना बुरा मान जाएगा। क्या हुआ, किसे ढूंढ रहे हो? कहीं वो प्रिया को तो नहीं ढूंढ रहे ना? You stupid, मैं प्रिया को क्यों ढूंढूंगा? Why would I look for her? अरे अरे relax, chill. मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। क्या है ना कि तुम प्रिया को लेके इतने कंसर्न रहते हो, सिर्फ इसलिए पूछा। It wasn't funny. मैं रिफिल करके आता। अरे पर तुम्हें हेल्दी खाने पीने से एलर्जी है क्या? मुझे पक पक सुनने से एलर्जी। चलो अच्छी बात है, कुछ तो सिमिलर है हम दोनों में। तुम एंजॉय करो अपनी बोरिंग कंपनी, मेरा हो गया। Oh no. Calories. Huh? मुझे फिट रहना पसंद है, सो नो पैक जूसेस फॉर मी। ओके तो मैं जाऊं? अरे रेहान, चीयर्स मैन। चीयर्स। अर्नव को उसकी ड्रीम गर्ल मिल गई। तो डांस शांस किया जाए? Why not? What say guys? Let's hit the party, yeah? Yeah, come on. Priya. हाँ? रेहान, आरु, मिनी, please. Let's dance. Sure. Hi, रेहान. मैं कब से ढूंढ रही थी, तो तुम कहीं दिख ही नहीं रहे थे। क्यों, मेरे सिर का हेलो चमक नहीं रहा था? वेट, चमका क्या था? क्या ये? जानती हो तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, पर मैं भी हारने वाला। यार ये अजनबी अभी तक क्यों नहीं आया? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था ना। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.